दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस में उस समय हड़कंप मच गया जब नॉर्थ कैंपस के आर्ट्स फैकल्टी गेट पर सोमवार देर रात डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह ने प्रशासन से अनुमति लिए बिना वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह की मूर्तियां स्थापित कर दी। NSUI ने इसके विरोध में वीर सावरकर की मूर्ति को जूतों की माला पहनाई और मूर्ति के मुंह पर कालीख पोती। इस पर NSUI के राष्ट्रीय सचिव साइमन फारूकी ने कहा, ABVP ने सदैव सावरकर को अपना गुरु माना है। अंग्रेजी हुकूमत के सामने दया की भीख मांगने के बावजूद ABVP इस विचारधारा को बढ़ावा देना चाहती है। मैं सभी को याद दिलाना चाहता हूं कि यह वही सावरकर है जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया था। यह वही सावरकर है जिसने भारत के संविधान को ठुकराकर मनुस्मृति और हिंदू राष्ट्र की मांग की थी। उन्होंने यह भी कहा कि सावरकर की तुलना शहीद भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस से करना हमारे शहीदों और उनके स्वतंत्रता संग्राम का अपमान है। एक राष्ट्र विरोधी व्यक्ति के ऊपर सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के छात्र संघ कार्यालय का नामकरण करना विश्वविद्यालय और उसके छात्रों के लिए अपमान की बात है। यह ABVP के फर्जी राष्ट्रवाद का उदाहरण है। वहीं डूसू अध्यक्ष शक्ति सिंह का कहना है कि मूर्ति लगाने के लिए DU प्रशासन से कई बार मांग की थी लेकिन अनसुनी कर दी गई। डूसू पर ABVP का कब्जा है। हाल ही में शक्ति सिंह ने नॉर्थ कैंपस का नाम स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के नाम पर करने की मांग उठाई थी। इसके कुछ ही दिन बाद नॉर्थ कैंपस के गेट पर वीर सावरकर के साथ भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई गई। फिलहाल ABVP की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है लेकिन देखना ये होगा कि NSUI द्वारा वीर सावरकर की मूर्ति का अपमान करने पर ABVP क्या रुख अपनाती है। तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अखंड भारत। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए।